एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो भाई आज है 28वां रोज़ा और हमने प्लान किया है कि आज हम अपने मार्केट के जो भी काम बाकी रह गए हैं वो हम वाइंड अप कर लेंगे। लाइक लड़कों की शॉपिंग पेंडिंग है वो आज हम कंप्लीट करेंगे, बच्चों की शॉपिंग पेंडिंग है वो आज हम कंप्लीट करेंगे, ताकि चांद रात को जो है वो हमें खवार ना होना पड़े। ठीक है, तो सबसे पहले हम इफ्तारी बनाएंगे और इफ्तारी के बाद फिर हम मार्केट निकलेंगे। तो आइए मिलकर मेरे साथ इफ्तारी बनाएं और फिर देन हम मार्केट जाएंगे। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो आज इफ्तारी में हम बना रहे हैं चिकन और आलू के कटलेट्स, बहुत ही यम्मी बनते हैं यार। आप मुझे बताएं आप में से किस किस को पसंद है? हमें तो बहुत पसंद है और चावलों के साथ तो बहुत ही मज़ा आता है। ठीक है, और इसकी कोटिंग जो है ना वो मैं बेसन की कर रही हूँ, क्योंकि इससे बहुत क्रिस्पी और टेंडर बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चिकन का जो है वो मिक्सचर रेडी हो गया है, बेसन की कोटिंग रेडी हो गई है, साथ पुदीने का रायता रेडी हो गया है, और साथ ही जो है वो हमने टिक्किया वगैरह बना के रख दी है। थोड़ी देर के लिए इनको ठंडा करेंगे और उसके बाद फिर इनका फ्राइंग का काम शुरू करेंगे। और साथ ही यहाँ पर रेडी हो रहा है जी मटर का पुलाव, बहुत यम्मी बहुत मज़े का तैयार होता है। और यहाँ पर ये देखिए हमने इनका फ्राइंग का काम जो है वो शुरू कर दिया है, तो बहुत ही यमी और बहुत ही क्रिस्पी कटलेट्स जो है वो बनके तैयार हो गए। आप देख सकते हैं कि इनके कलर से आपको अंदाज़ा होगा कितने यमी तैयार हुए। उसके बाद जी आज हमने इफ्तारी में बनाया था घर में ही मीट मार्गरीटा में सिस्टम कर जी, आज हम इसको घर में तैयार करते हैं और देखते हैं कैसा तैयार होता है। तो बहुत अच्छा बना था। उसके साथ जी मटर पुलाव भी हमारा रेडी हो गया है। फटाफट से हमने इफ्तारी की, फिर हमने मार्केट निकलना था क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 दिन बाकी थे। और क्योंकि आज हमने लड़कों की और बच्चों की शॉपिंग करनी थी तो हम मार्केट आ गए। यहाँ पर एक शॉप पर आई, मेरी अपनी छोटी जो मेरी भांजी है उसके लिए मैंने फ्रॉक वगैरह लेना था ईद का, तो यहाँ पे मैंने कुछ फ्रॉक वगैरह देखे तो मुझे इतने पसंद आए कि मैं आपको बता नहीं सकती। और बहुत रिजनेबल प्राइस में ये मैरून वाला फ्रॉक है, आप चेक करें, बच्चियों के पहने हुए इतने क्यूट लगते हैं ना कि जिसकी हद नहीं है। और इनकी प्राइसेस भी बहुत रिजनेबल थी, लड़कों के लिए भी बहुत अच्छे जो है वो लगे हुए थे ड्रेसेस। और ये फ्रॉक चेक करें, ठीक है, अगर आप ये ऑनलाइन जाएंगे इसकी प्राइस देखेंगे ना तो ये 10-15 हज़ार से आपको कम नहीं मिलेंगे, और यहाँ पे 4,500-6,000 से स्टार्ट हो रहे थे। ठीक है, ये वाला फ्रॉक जो है ये 7,000 समथिंग का था, बहुत अच्छा बहुत ज़बरदस्त बना हुआ था, शॉप का नाम सिंड्रेला समथिंग था। ठीक है, और ये देखें बच्चों की बास्केट्स आप चेक करें, इतनी फाइन क्वालिटी थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। ठीक है, तो ये बेसिकली शॉप है वापटा टाउन में और यहाँ पे ये शॉप का नाम है और ये इस तरह से दिखती है। ठीक है, तो अगर आप इसे किसी ने भी लेना है तो आप ज़रूर यहाँ पे विजिट करें, लेकिन मैंने वो परचेज़ नहीं किया था क्योंकि ऑलरेडी गर्मी का मौसम होना है, तो इस वजह से फिर मैंने जो है कुछ और उसके लिए ख़रीदा था अपनी भांजी के लिए। तो यहाँ पर जो है वो मैं ब्रेकआउट पर आ गई और ब्रेकआउट के ऊपर भी कुछ कलेक्शन आई हुई थी। यहाँ पर हमने जीन्स वगैरह देखी जो मुझे पसंद आई, मैंने परचेज़ कर ली थी लेकिन मैं आपको एंड में दिखाऊँगी। उसके बाद जी हम वन पर आ गए और वन पे भी कुछ सेल वगैरह लगी हुई थी। अच्छा, इनके जो मेंस वेयर है ना इनका बहुत ज़्यादा अच्छा है, मेरे भाई मैक्सिमम शॉपिंग जो है ना वो यहाँ पर करते हैं। उसके बाद जी हम जुनेद जमशेद पर गए, तो जुनेद जमशेद पर एज़ यूजुअल बहुत रश लगा हुआ था, लेकिन अगेन मुझे जुनेद जमशेद के आर्टिकल्स ना आज तक समझ नहीं आए कि ये लोग क्या सेल करते हैं। मतलब इनका फैब्रिक इतना कोई फजूल होता है ना कि जिसकी हद नहीं है। पता नहीं कौन लोग हैं जो इनके फैब्रिक को पसंद करते हैं, या शायद आर्टिकल वाइज होता है कि हर सीज़न में कोई एक दो आर्टिकल हिट आर्टिकल्स होते हैं वो ख़रीदे जा सकते हैं। तो ये मेरी भांजी थी, ये मैं इसके ड्रेसेस देख रही थी, 5,000-5,000 का ये ड्रेस था। ठीक है, और इसने खप डाली हुई थी कि जी मेरा ड्रेस लेना ही लेना है। ठीक है ना, तो ये सारे ड्रेसेस मैं देख रही थी लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, तो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव बच्चों के ड्रेसेस लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। 6,000-6,500 से नीचे का कोई ड्रेस नहीं था। तो खैर, इसको हमने एक ड्रेस पकड़ा दिया कि हमने तुम्हारा ड्रेस ले ली, और इतनी खुश हो रही थी ना क्योंकि अदरवाइज ये कह रही थी कि मैं अपने बाबा को शिकायत करूंगी कि मुझे मामा ने ना ड्रेस लेकर नहीं दिया। उसके बाद जो सिस्टर कहने लगी कि मैं अपने लिए कोई जो है वो कुर्ता स्टाइल वगैरह देख रही थी, मुझे दिखा रही थी लेकिन कुछ भी पसंद नहीं आया था हमें जुनेद जमशेद से। उसके बाद जी भाई ने जूते वगैरह लेने थे अपने, तो वो फिर एक साथ शॉप थी वहाँ पे हम चले गए, और जितनी वापटा टाउन में शॉप्स थी ना मेंस वेयर की लेडीज़ वेयर की वो हमने सारी देखी। ठीक है, लेकिन कोई भी जो है ना वो आर्टिकल उसको समझ नहीं आ रहा था, बल्कि पसंद ही नहीं आ रहा था। अच्छा, मैं आपको ना ये शॉप जो है ज़रूर रिकमेंड करूँगी, इनकी हील्स और इनके जूते इतने कम्फर्टेबल हैं और इतने अच्छे हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। हर जूते के अंदर जो है वो पैड लगा हुआ है। ठीक है, पता नहीं आप लोगों को ये प्रॉब्लम है या नहीं है, लेकिन मुझे या मेरी फैमिली में हम सब लड़कियों को ये प्रॉब्लम है कि हम लोग पैडेड हील्स ही पहन सकते हैं, उसके अलावा हम हील्स कैरी नहीं कर सकते। हमारे पाँव जो है वो दर्द होना शुरू हो जाते हैं, इवन कि हम विटामिन डी वगैरह भी पीते हैं लेकिन फिर भी हम हाई हील्स या बहुत देर तक कैरी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कुछ स्टॉल्स वगैरह लगे हुए थे, तो छोटी कुछ चूड़ियाँ वगैरह लेकर दी। मेहंदी अभी हमारी पेंडिंग है, मेहंदी अभी तक हमने नहीं खरीदी, और ये भाई मेरा मुझे हर शॉप पे घुमाता रहा लेकिन कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद हम थक हार के जी हमने कहा जब हमें कुछ ठंडा जो है वो खाना है, तो एक गोला गंडे वाला खड़ा हुआ था, तो वहाँ से फिर हमने गोला वगैरह लिया और इसको इन्जॉय किया, और उसके बाद घर आ गए। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या शॉपिंग की है।
तो ये वो शर्ट्स हैं जो हमने वन से ख़रीदी थी। ये माशाल्लाह मैंने अपनी भांजी के लिए ली है, बहुत अच्छी क्वालिटी की थी। ये जी मुन्ने के अब्बा के लिए ख़रीदी है, सिस्टर ने बेसिकली अपने हस्बैंड को गिफ्ट करनी थी तो ये सारी शर्ट्स उसने अपने हस्बैंड के लिए ली है। 2.5 से 3 हज़ार, 3.5 हज़ार की इतने की थी और कुछ इनके ऊपर 20% 25% ऑफ भी लगा हुआ था, लेकिन सारी शर्ट्स की क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी थी। और अगर आप में से कोई वन में परचेजिंग करता है तो उसको आइडिया होगा इनकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, ठीक है। तो ये वाला ट्राउज़र लिया था, इस तरह के फिटेड ट्राउज़र्स जो हैं वो बहुत अच्छे, बहुत प्यारे लगते हैं पहने हुए, तो उसको बहुत अच्छे लगे। इवन कि वो दुबई में रहती है लेकिन वो कह रही थी कि इस तरह की क्वालिटी वहाँ से भी नहीं मिलती। तो मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है, बॉयज़ यहाँ से ज़रूर शॉपिंग करें। उसके बाद जो मैंने अपनी पांची के लिए बहुत ही क्यूट सा प्यारू सा ये वाला ड्रेस लिया, ठीक है, ये 3.5 हज़ार समथिंग का ड्रेस था और ये हमें ऑलमोस्ट जो है वो 2.5 हज़ार में पड़ा था। रीज़नेबल था यार, इतने के तो चलते हैं बच्चियों ने। बच्चे तो माशाल्लाह जो छोटे होते हैं ना, यूँ जवान हो रहे होते हैं, एकदम से कदकाठ निकालते हैं, ठीक है। ये एक और ड्रेस था जो उसके लिए लिया था, माशाल्लाह बहुत क्यूट लग रहा था। ये भी शलवार कमीज टाइप बना हुआ है और बहुत प्यारा सा बना हुआ था, तो ये हमें ऑलमोस्ट जो है वो 1.5-2 हज़ार का पड़ गया था। तो रीज़नेबल ड्रेसेज हैं, ठीक है, और इतने के ही होने चाहिए। उसके अलावा अपने भांजे के लिए ये समर के कुछ ड्रेसेज लिए थे, इस तरह के ट्राउज़र शर्ट बने हुए थे और समर कलेक्शन में से थे। और इसकी शॉप का नाम जो है वो ये मी एंड मम, हाँ, इनके पास भी अच्छी कलेक्शन पड़ी हुई थी। ये भी ऑलमोस्ट 2.5-2.5 हज़ार के इतने के जो है वो हमें ऑफ प्राइस पे मिल गए थे। उसके बाद ये ब्रेकआउट से मैंने जो है वो शर्ट ली थी, बहुत ज़्यादा कचरा पड़ा हुआ था, बहुत देखभाल के आपको जो है वो चीज़ें खरीदनी पड़ रही थी, ठीक है। तो ये एक शर्ट थी जो मुझे ब्रेकआउट पे अच्छी लगी थी और क्या कहते हैं 3,800 समथिंग की थी, इसके ऊपर कोई ऑफ नहीं लगा हुआ था, तो ये मुझे जो है वो बहुत अच्छी मिल गई थी। उसके अलावा ये दो जीन्स की पैंटें मैंने ली हैं, बेल बॉटम पैंट्स हैं, ये बहुत रेयर आती हैं, बहुत रेयर ये कलेक्शन आती है। और ये फ्रंट कट वाली जो ब्लैक पैंट है पहनी हुई, इतनी हसीन लग रही थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो अब तो दोबारा जब मैं गई हूँ छोटी सिस्टर के लिए लेने के लिए तो ये ख़त्म हो चुकी हुई थी, ठीक है, और ये भी 4.5 हज़ार की मुझे पड़ी थी। तो ये मेरे लिए मुनासिब इसी नहीं क्योंकि ये ऐसा फैब्रिक है कि आप इसको अच्छी तरह अगर इस्तेमाल करें देखभाल के तो साल हर साल चलता है। तो ये थी जी मेरी आज की शॉपिंग, यहाँ पे होता है हमारे व्लॉग एंड। अब आपने मुझे बताना है कि आपको इसमें से सबसे ज़्यादा क्या चीज़ अच्छी लगी है। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।